अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के तकरीबन लास्ट टॉपिक्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ये सारा चैप्टर एंड किया है और इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से पढ़े हैं और एग्जाम्पलीफाई किए हैं। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो था बफर सॉल्यूशंस के बारे में, कि बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी से ही थोड़ा सा आगे रिलेट करेगा कि बफर सॉल्यूशन को अगर आप बनाते हैं तो उसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ द बफर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स पीएच, कि इसकी पीएच क्या होगी। ये हमारी बुक का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा है और वो ये है कि हेंडरसन्स इक्वेशन क्या है। तो हेंडरसन्स इक्वेशन के बारे में भी हम तफसील से पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे बनाई जाती है और ये कैसे काम आती है बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखते रहिए बाकी सारा लेक्चर। यकीनन जो अहम चीज़ होती है उसके अंदर कुछ कंटेंट होता है और कंटेंट कुछ टाइम रिक्वायर करता है, तो टाइम आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये आसानी के साथ सारा टॉपिक आ जाएगा। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ उमैर खान अकेडमी यूट्यूब चैनल पर और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हेंडरसन इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी बफर की। तो बफर जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है, सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरह के बफर के दो हिस्से हैं, एक तो वीक एसिड CH3COOH और इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि हम ऑलरेडी बफर के हिस्से में इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो यह बन जाएगा CH3COONA। अब ऐसा है कि इसको थोड़ा सा आसान करने की खातिर हम कुछ यूं लिख लेते हैं कि एसिड का एक पार्ट है दैट इज CH3COO, इसको ए से शो कर लेते हैं और जो हमारे पास एच है बाकी उसको ऐसे लिख लेते हैं। अगर हम इसको आयोनाइज कर दें तो हमारे पास दो हिस्से बनेंगे, यानी ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव को पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हम थोड़ी एग्जाम्पल कुछ इस तरह ले रहे हैं कि ये CH3COOH है, तो मैंने पहले CH3COO नेगेटिव और फिर H पॉजिटिव लिखा है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और भी है जो कि सॉल्ट की है। तो सॉल्ट का ये वाला हिस्सा तो वही A है, जबकि बाकी वाला हिस्सा मेटेलिक पार्ट है Na। तो अगर इसको भी आयोनाइज करें तो फिर दोबारा से हमारे पास वही आ जाएगा, यानी A नेगेटिव, जिसको हम CH3COO नेगेटिव भी कह सकते हैं, और दूसरा हिस्सा हमारे पास होगा सोडियम का जो कि पॉजिटिव है। ये आयोनाइजेशन है, यानी सिंपल आयोनाइजेशन है, जिस आयोनाइजेशन से हमें पता लगता है कि ये एसिड की आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन है और ये उसके सॉल्ट की। और अगर हम बतौर बफर सोचें तो बफर में कुल चार किस्म के आयंस हैं, जो कि ये हमारे पास चार किस्म तो नहीं कह सकते, मतलब चार आयंस हैं, लेकिन उसकी किस्म कुछ तीन है, क्योंकि ये वाला वो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि ये कॉमन आयन है। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो हमारे पास वीक एसिड है इसकी आयनाइजेशन सुप्रेस हो जाती है, रुक जाती है, जैसे कि पहले बयान हो चुका है। तो बहरहाल ये हमारे पास वो हिस्सा है जो कि एक ऐसा सॉल्ट है जो ज्यादा आयोनाइजेबल होता है। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि ए आयन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए आयन प्रोड्यूस कर रहा है सॉल्ट, ना कि एसिड, क्योंकि एसिड एक वैसे ही एक ऐसा एसिड है जो वीक एसिड है, तो डिसोसिएशन कम होगी। दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट जो कि सॉल्ट की वजह से पैदा हो रहा है वो क्या करेगा, इस डिसोसिएशन को और भी सुप्रेस कर देगा। तो बहरहाल अपने जहन में रखेंगे कि ये हमारे पास एक सॉल्ट है जबकि यहां हमारे पास एक एसिड है और ये दोनों को मिलाकर बफर है। अब हम लिखते हैं के ए। अब के ए लिखने का तरीका हमें पहले से ही बताया गया है, तो के ए अगर लिखना हो तो कुछ यूं लिखना पड़ेगा, के ए इज इक्वल टू, पहले नंबर पर हम लिखेंगे आयंस को जो कि एसिड के आयंस हैं, ए नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड, यानी ए एच की कंसंट्रेशन, जिसको हमने थोड़ा सा अगर देखें पहले तो एस्ट्रिक एसिड सपोज किया हुआ है। अगर हम क्या करें,
हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर रहने दें, मतलब एक जगह पर, और बाकी सबको के ए के पास ले आए, तो हमें कुछ ऐसा नया एक्सप्रेशन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ रह गई, जबकि ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कर देते हैं के ए मल्टीप्लाई बाय ए एच की कंसेंट्रेशन, जो हमारे पास एसिड है, और ए नेगेटिव वो वाला आयन है जो बेसिकली सॉल्ट से आ रहा है। तो ये एक नया एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन का हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली डिराइव करने जा रहे हैं हेंडरसन इक्वेशन, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट किस्म की इक्वेशन है। तो इसका जब हम लॉग लेते हैं तो कुछ ऐसा होगा। सपोज कीजिए हम लॉग लेते हैं हाइड्रोजन आयन का, तो लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन लॉग हो गया। अब इस साइड का भी लॉग लेना है, तो इज इक्वल टू लॉग ऑफ के ए मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ। अब यहां पर एक चीज थोड़ी समझानी है आपको, वो ये कि हम ऐसे लॉग ही ले सकते हैं, लॉग लेना होता है मुकम्मल इक्वेशन का। तो सपोज कीजिए हमने लॉग ले लिया इस मुकम्मल का जो यहां पर लिखा गया है, तो ये आपके पास ए एच और ए नेगेटिव। अब जैसे कि लॉग का रूल है या लॉ है, जब हम उसको ओपन करते हैं या इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसा होता है कि जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो देखें, ये हमारे पास हो गया लॉग के ए प्लस लॉग ए एच की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए माइनस की कंसेंट्रेशन। अब एक काम ये करना है कि इस सब को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन का ये साइड भी माइनस से और ये वाला साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, यहां पर क्या है, यहां पर लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ए एच की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव की कंसेंट्रेशन। अब चंद बातें हम पुरानी याद करते हैं। पुरानी बातों में एक बड़ी अहम बात रही है, वो ये वाली कि जो माइनस लॉग के ए है वो एक्चुअली पी के ए के इक्वल है, और माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है वो पी एच के बराबर है। ये सब कुछ हम प्रूव कर चुके हैं हमारे पुराने लेक्चर्स में, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने पहले वो नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, इससे हमें पूरा जो सारा सेंस है वो क्लियर होता है इस चैप्टर के बारे में। तो बहरहाल इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू जैसे मैंने कहा माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए इज इक्वल टू पी के ए, और ये हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा माइनस लॉग। एक बात यहां पर देखें, जो हमारे पास ए एच है यानी ये हिस्सा, ये क्या है, एसिड, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एसिड ओवर, और जो आपको बताया गया कि जो कॉमन आयन है अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके ज्यादातर प्रोड्यूस होने की वजह सॉल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस को कह सकते हैं कि जितनी मिकदार में ज्यादा है ए आयन, इसका मतलब है सॉल्ट उतना ज्यादा है, तो ए आयन की कंसेंट्रेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं सॉल्ट की कंसेंट्रेशन। इस तरह सॉल्ट की कंसेंट्रेशन और एसिड की कंसेंट्रेशन भी लिखी जा सकती है। अगर हम एक काम करें वो ये कि माइनस लॉग एसिड की कंसेंट्रेशन ओवर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को प्लस में चेंज करें, तो ये रकम पलट जाएगी, उलट हो जाएगी, और कुछ हमारे पास ऐसा आ जाएगा पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस। अब यहां पर क्या आ गया, प्लस, तो ये बनेगा लॉग ऑफ, पहले आ जाएगा सॉल्ट की कंसेंट्रेशन और नीचे आ जाएगा एसिड की कंसेंट्रेशन। तो ये आपके पास सिंपल एक एक्सप्रेशन बन गया। अब ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है, यही एक्सप्रेशन कहलाता है हेंडरसन्स इक्वेशन। तो हेंडरसन्स इक्वेशन को हम यहां पर लिख चुके हैं, ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। इसका मतलब ये है कि चूंकि
बफर के दो हिस्से हैं, सॉल्ट और एसिड। अगर उन दोनों की कंसंट्रेशन आपको पता लग जाती है और आपको पीकेए पता लग जाता है, जो कि हर एक बफर के लिए समझ लीजिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और ये दोनों अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप पीएच मालूम कर लेते हैं किसकी, बफर की। और यही हमारे पास हेडिंग है, कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ बफर। यानी हम यहां पर कह रहे हैं कि पीएच कैसे मालूम कर पाएंगे, अगर हम पीकेए और लॉग तो लेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड हमें मालूम हो जाएगी। तो इस तरह से हम दोनों काम कर सकते हैं, हमने डिराइव कर लिया हेंडरसन इक्वेशन को और हमने कैलकुलेट कर लिया किसको, पीएच को। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो बफर है, चूंकि पहले हमने एसिडिक बफर लिया था, लेकिन अगर अब एसिडिक बफर लेने की बजाय कोई बेसिक बफर लिया जाए तो क्या होगा। ये जो बेसिक बफर है बिल्कुल इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर हम सपोज कर लेते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक वीक बेस है, और इसके साथ एक सॉल्ट है, यानी इसी का सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, जो कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करके बनाया है। तो आपके पास एक बेस हो गया और एक सॉल्ट, ये बेसिक बफर है। अब बेसिक बफर को भी बिल्कुल अगर इसी तरीके से हम आयोनाइज करें, मतलब यहां पर हम एक बेस रखें और इसी तरह उसको आयोनाइज करें, और यहां पर बेस का सॉल्ट लें उसको आयोनाइज करें, और फिर हम यहां पर क्या निकालें, KB, और बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, फिर OH आयन, नेगेटिव आयन आएगा, फिर OH नेगेटिव आयन को अलग कर लेंगे, बाकी सबको अलग कर लेंगे, और यहां पर फिर क्या लिखना पड़ेगा, KB। फिर इसी तरह से सिंपल लॉग लेंगे, यही सारे के सारे एक्सप्रेशन दोबारा करेंगे, और बिल आखिर हमें दोबारा से एक हेंडरसन इक्वेशन मिलेगी जो बेसिक बफर के लिए होगी, और वो कुछ इसी तरह की होगी, लेकिन जो फर्क होगा वो हम देखते हैं। वहां पर पीएच की जगह पे लिखा हुआ होगा पीओएच इज इक्वल टू, पीकेए की जगह पे लिखा होगा पीकेबी प्लस लॉग ऑफ, जहां पे लिखा है सॉल्ट यहां पर सॉल्ट ही होगा की कंसंट्रेशन ओवर, और जहां पर एसिड लिखा है यहां पर आएगा बेस। तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस होगा, दो हेंडरसन एक्सप्रेशन है ये। पहला जो हेंडरसन एक्सप्रेशन है यह हमारे पास इक्वेशन है, ये एसिडिक बफर के लिए है, और जो हमारे पास अब निकली है ये हेंडरसन इक्वेशन बेसिक बफर के लिए है। तो आपको दोनों के दोनों बफर्स का जो पीएच या पीओएच मालूम करना हो तो इसके लिए आप ये दोनों एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को देखकर हमें एक बात समझ में आती है, वो क्या कि अगर हम मिसाल के तौर पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन सिमिलर ले लें 1:1, तो पीओएच बराबर होगी किसके, पीकेबी के। इसी तरह से अगर हम सॉल्ट की और इसकी कंसंट्रेशन सेम ले लेते हैं तो पीएच भी बराबर होगा पीकेए के। इसको एक दफा हम देख लेते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर इक्वेशन यही है जिसको हम आगे लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ जाता है पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ, अब मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन सेम है, चाहे 1:1 रख लें, 2:2 रख लें, 3:3 फॉर एग्जांपल 1:1 रख लेते हैं, आंसर वही आ जाना है। तो 1:1 तो आंसर आ गया क्या हमारे पास, टोटल 1, जो लॉग 1 है वो बराबर है 0 के, तो प्लस 0 यानी पीकेए प्लस 0 इज इक्वल टू पीकेए, और लास्ट में हम बोल रहे हैं कि पीएच विल बी इक्वल टू पीके अगर हमारे पास कंसंट्रेशन सेम होगी। अब एक काम फिर करते हैं, अब के बार ऐसा करते हैं कि कंसंट्रेशन डिफरेंट रखते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसी इक्वेशन को यहां पे पुट करते हैं, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ, अब ऊपर क्या है, ऊपर है जी सॉल्ट की कंसंट्रेशन, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन मिसाल के तौर पे हम रख लेते हैं 1 और नीचे रख लेते हैं 0.1, जो कि क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो पीकेए प्लस लॉग ऑफ
1 ओवर 0.1 को अगर हम हल करें, उसका लॉग ले लें, तो आंसर आ जाएगा बिल आखिर, या आप कह लीजिए ये असल में क्या कहलाएगा, 1, ये क्या चीज है, नीचे अगर हम माने 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये बन जाएगा लॉग 10। अब लॉग 10 बराबर होता है 1 के, और जो हमारे पास पी के ए है वो 4.74 होती है अगर एस्टिक एसिड के लिए ली जाए तो। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि आंसर आ जाएगा आपके पास 5.74। तो ये आपके पास एक आंसर आ गया। ये हमने कब आंसर लिया, जब ऊपर 1 था और नीचे 0.1 था। अब बिल्कुल सिमिलर कंडीशन दोबारा से अप्लाई करते हैं। अब सिमिलर कंडीशन ये करते हैं कि जो हमने पहले सॉल्ट की कंसंट्रेशन ली थी वो एसिड को दे देते हैं, या एसिड की उतनी रख लेते हैं, और जो एसिड की कंसंट्रेशन थी वो हम सॉल्ट के तौर पर लेते हैं। तो देखें, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ, अब के बार 0.1 ऊपर रख लेते हैं और नीचे रख लेते हैं 1। अब जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये बन जाएगा 1/10, और 1/10 का लॉग लेते हैं तो वो -1 के इक्वल होगा। तो ये बन गया 4.74 माइनस वन, यानी 3.74 पीएच। अब देखें क्या बात समझ में आती है, बड़ी अहम बात है। इस वाली वैल्यू को देखें और इस वाली वैल्यू को देखें। हमने कुछ ऐसा किया कि कुछ कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल हमने ले ली ऊपर, किसकी कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की, वो 1 ले ली। अगर हमने 1 से कम कर 0.1 तक कर दिया तो हमारी जो पीएच रेंज होगी बफर की वो 5.74 से 3.74 के दरमियान रहेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, नीचे की कंसंट्रेशन 0.1 से बढ़ाकर 1 कर देते हैं तो भी हमारे पास जो पीएच की रेंज होगी इस बफर के लिए वो इसी के दरमियान रहेगी, मतलब 5.74 और 3.74। तो जैसे कि हमारे पास हेडिंग है कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ बफर, इसका मतलब है कि हम ऐसे बफर तैयार कर सकते हैं जिनकी पीएच 5.74 से 3.74 के दरमियान हो सकती है। कैसे, देखिए जरूरी नहीं है कि 1 से डायरेक्टली 0.1 करना है, 1 से थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपने 0.9 कर लिया, 0.8, 0.7, 0.6, 0.1 तक चले गए, इसी तरह से इसको बढ़ाते गए 0.1, 0.2, 0.3, 1 तक। तो इन कंसंट्रेशन के चेंजिंग से हम बहुत से किस्म के बफर बना सकते हैं, लेकिन उन बफर की जो पीएच होगी वो इस यानी 5.74 और 3.74 के दरमियान ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यह था वो आज का टॉपिक जो बहुत ही आसान था, मतलब हम अपनी मर्जी के बफर्स जिनकी पीएच यानी हमारी मर्जी की होगी वो बना सकते हैं। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हमें हेंडरसन इक्वेशन आती होगी। तो आज बेसिकली हमने दो क्वेश्चंस हल किए हैं। एक क्वेश्चन जो हमने हल किया है वो ये है कि हेंडरसन इक्वेशन क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे मालूम किया जा सकता है, और दूसरे नंबर पर हमने ये मालूम किया है कि हम किस तरीके से अपनी मर्जी के बफर बना सकते हैं जिनकी पीएच हम अपनी यानी जो रेंज है उसके अंदर रखें, या एग्जैक्ट उसकी पीएच जो मेंटेन कर सकें, वो तभी कर सकते हैं जब हमें क्या हो, हेंडरसन इक्वेशन के मुताबिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या बेस पता हो, जब हमने बेसिक बफर बनाना हो, या फिर हमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन पता हो जब हमने एसिडिक बफर बनाना हो।